We are grateful to her and His Excellencies, the President of Ethiopia and Guyana, for their video messages and best wishes. देवी सज्जनों, मिलेट या श्री अन्न को लेकर यह सचमुच एक नवजागरण का काल है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग और संगठन मिलेट से जुड़े अभियान को सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। मिलेट्स को अपनाने और इसके प्रचार प्रसार के लिए पूरे वर्ष अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में भारत सरकार के डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट तैयार किया है। यह स्मारक डाक टिकट भारत को मिलेट्स यानी श्री अन्न के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने में देश के मिलेट उत्पादकों यानी किसानों के योगदान को दर्शाता है। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस डाक टिकट का डिजिटली अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के उत्सव के उपलक्ष्य में 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी तैयार किया गया है। ये आजादी का अमृत काल मनाने की दिशा में एक कदम है। मैं निवेदन करूंगा पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस स्मारक सिक्के का एक बार पुनः डिजिटली अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, देव सज्जनों, भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के मिलेट्स यानी श्री अन्न, उनसे होने वाले स्वास्थ्य और पोषण संबंधी लाभ, ये सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए। भारत सरकार ने भी मिलेट्स के लिए लागू होने वाले स्वास्थ्य नियमों और मानकों का विवरण विस्तार से तैयार किया है और इन सब जानकारियों को एक पुस्तिका के रूप में संकलित और प्रकाशित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से मिलेट्स से जुड़े इस स्टैंडर्ड बुक का डिजिटल लोकार्पण करने की कृपा करें। देवी सज्जनों, भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ज्वार और अन्य मिलेट्स को लोकप्रिय बनाने, उसके बारे में अनुसंधान करने और उससे जुड़े अनेक उत्पादों तथा स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाला देश का शीर्ष संस्थान है जो भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ उसके छत्रछाया में काम करता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से आज इस संस्थान को मिलेट यानी श्री अन्न के वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में पहचान और प्रतिष्ठा मिलने जा रही है। आज यहाँ इसके लोकार्पण के साथ ही श्री अन्न और IYM 2023 पर एक वीडियो फिल्म भी हम यहाँ प्रदर्शित करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर IIMR हैदराबाद को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उसका लोकार्पण करें। The history of growing millets in India is centuries old. Varieties of millets have been mentioned in the olden texts, and millets have always been an integral part of Indian cuisine and culture. Millets are sustainable to the environment, to the farmers growing it, and provide affordable and high nutrient options for all. India is the largest producer of Sri Anna, also known as millets in the world.
it is heralding the world towards a prosperous agricultural demand through its millets production and export. On the initiatives of the Government of India, under the visionary leadership of our Prime Minister, the United Nations declared 2023 as the International Year of Millets to promote the production of less water-intensive and nutritive crops at the global platform. Aaj duniya International Millet Year mana rahi hai. भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार अनेक नाम है. आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है. अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई. The aim of the International Year of Millets is to increase their consumption, ensure nutrition security, and provide millets a new identity in the international market. India is cultivating a number of millets and upping the entire landscape. Millets are also called superfoods, and these are rich sources of minerals like calcium, iron, zinc, phosphorus, magnesium, and potassium. The Government of India has declared the Indian Institute of Millets Research Hyderabad as the center of excellence to provide its technology and best methods for the cultivation of millets, which would be helpful for domestic as well as international stakeholders. To celebrate International Year of Millets, today, the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is inaugurating the first Global Millets Sri Anna Conference Exhibition and Buyer-Seller Meet. In this global event, participation of delegates from various agriculture ministries of millet-producing nations and importing nations, international organizations, scientists, national and international nutritionists and chefs will be seen. We strongly believe that the International Year of Millets 2023 will open new doors for millet-producing farmers, marginal farmers and tribal communities. India will play an important role in this mission by leading the way to address global food security of the world. Millets, farmers' prosperity, food and nutrition security. Devya Sujano, Karitel Dhani ke saath aise sabhi mahatvapurna prayason ko aapki shubhkamnaen mili hain, uske liye aap sabka aabhar. Millet, Shri Ann, Superfood, न्यूट्री सीरियल, ऐसे अनेक पहचान रखने वाला मिलेट आज विश्व भर में सबके आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति के स्वास्थ्य, किसान की समृद्धि और पर्यावरण की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने की अपार संभावनाएं अपने अंदर समेटे है. वैश्विक स्तर पर मिलेट को पहचान दिलाने, लोकप्रिय बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाए जाने के पीछे जिनका विजन और दूरदृष्टि है, वे हैं भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी. देव्य सज्जनों, आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए निवेदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र तोमर जी, मनसुख मांडविया जी, पीयूष गोयल जी, कैलाश चौधरी जी, विदेशों से आए हुए कुछ मंत्रीगण, गयाना, मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका, सूडान, सुरीनाम और गाम्बिया के सभी माननीय मंत्रीगण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विविध एफपीओ और स्टार्टअप्स के युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े
लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसी किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारंभ में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां मिलेट्स पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही ICAR के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सबसे भी और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो उनसे भी आग्रह करूंगा, एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज
एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। साथियों, हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहां 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है, यानी 2-3 किलो से बढ़कर के 14 किलो। मिलेट फूड प्रोडक्ट की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं। मिलेट से जुड़ी रेसिपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सिलेक्ट किया गया है। साथियों, हम जानते हैं कि श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन, श्री अन्न के लिए शुरू हुआ यह अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने
इतनी बड़ी मात्रा में सूद ली है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपरमार्केट तक पहुंच रहे हैं, यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। साथियों, भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की यह भावना इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। अगर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में आज भारत का यह प्रयास सस्टेनेबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आईसा से भी 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। आज चाहे लाइफ मिशन की अगुवाई हो, क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करना हो, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हैं, समाज में बदलाव को शुरू करते हैं और उसे विश्व कल्याण की भावना तक लेकर जाते हैं। और यही आज भारत के मिलेट मूवमेंट में भी दिख रहा है। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार बाजरा रागी सामा कांगनी चीना कोंदो कुटकी कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है, इसलिए
जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। साथियों, आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियंस होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है, जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है, जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या, तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5-6% है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए, इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा।
कई राज्यों ने अपने यहां पीडीएस सिस्टम में श्री अन्न को शामिल किया है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। मिड डे मील में भी श्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है इन सभी बिंदुओं पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। हमारे अन्नदाता के और हम सबके साझा प्रयासों से श्री अन्न भारत की और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समय निकाल करके हमें जो संदेश भेजा उन दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।